हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। हो सकता है कि आप में से कई सारे व्यूअर्स जो कि इस वीडियो को देखेंगे वो इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट इन फ्यूचर आगे चलकर आपके कैरियर में ये इस टाइप की जॉब वैकेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इस चैनल पर मैं बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज, साथ ही केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बनाता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक कंपनी है एडसेल, EDCIL। ये जो कंपनी है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी वन कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। अब यहां पर ये जो कंपनी है ये एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है, लगातार एजुकेशन के सेक्टर में कई सारी जॉब वैकेंसीज भी इस कंपनी के थ्रू आती रहती है। तो अभी इन्होंने पीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। पीजीटी केमिस्ट्री की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, यहां पर और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, लेकिन हम यहां पर फोकस करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री पे। तो पीजीटी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर EDCIL एडसेल जो है उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। अब यहां पर ये जो वैकेंसी है इसकी खास बात ये है कि ये जो वैकेंसी है, सबसे पहली बात तो ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है वो भूटान के लिए है। तो एडसेल जो है वो बेसिकली एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है, और इस बार इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो इन कोलैबोरेशन विद द भूटान जो है गवर्नमेंट, उनके कोलैबोरेशन में रहकर उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, जो कि इंडियन नेशनल्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्लेस रहेगा, पोस्टिंग का जो प्लेस रहेगा, आपका जो जॉब जहां पर रहेगा वो होगा भूटान। तो काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, पे एंड पर्क्स भी बहुत ही अच्छा है। तो पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि हो सकता है आप अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आपको ऐसी वैकेंसीज के बारे में भी पता रहना जरूरी है कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इस टाइप की वैकेंसीज आती है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। इसका जो टेन्योर रहेगा, इनिशियल टेन्योर होगा 2 ईयर्स, उसके बाद हो सकता है कि आगे एक्सटेंड किया जाए। अब यहां पर प्लेस जो होगा, जो आपका पोस्टिंग होगी वो भूटान में होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए, जो भी पहली बात तो ये है कि जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट, जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए चाहिए अगर वो होगी, तो उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है एडसेल की वेबसाइट पर जाकर। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है अगर हम उसकी बात करें तो 16 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 15 फरवरी 2024 तक चलेंगे। अब केमिस्ट्री में यहां पर स्पेसिफिकली टोटल 19 वैकेंसी है, तो काफी अच्छा ये वैकेंसी का नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। तो अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए एमएससी में आपको मिनिमम 60% मार्क्स को लाना ही है। बिकॉज हम देखते हैं कि कई सारी जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती है उसमें एमएससी में परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, तो अगर आप 60% या 65% स्कोर कर लेते हैं एमएससी में तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको ये कोशिश जरूर करनी है, ऐसा नहीं सोचना है कि एमएससी में सिर्फ पास होना है। सिर्फ पास होने के दिन अब चले गए हैं, अब आपको मिनिमम 65% तो होना ही चाहिए। अगर नहीं कर सकते 65 तो कोशिश कीजिए 60% से ऊपर आप लेकर आए। अब इसमें एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, साथ में आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए जिसे हम बीएड कहते हैं। तो आप सभी अगर अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आगे चलकर अगर स्कूल टीचिंग की लाइन में आप जाना चाहते हैं तो बीएड की डिग्री बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डिग्री के बिना आप स्कूल टीचिंग में नहीं जा सकते। तो बीएड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री है, वो भी यहां पर रिक्वायर्ड है। साथ ही एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको पीजीटी केमिस्ट्री का, दैट मींस 11th और 12th केमिस्ट्री पढ़ाने का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर ये तीनों ही क्वालिफिकेशन आपके पास है,
एमएससी केमिस्ट्री विद मिनिमम 60%, बीएड अगर आपके पास है, और अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है 11th और 12th को केमिस्ट्री पढ़ाने का एज ए पीजीटी केमिस्ट्री, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस भी शामिल है, 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो एज में जो है वो काफी रिलैक्सेशन दी गई है। यहां पर मैक्सिमम जो एज है वो 55 ईयर है एज ऑन 16 जनवरी 2024। तो यहां पर जो 16 जनवरी 2024 है, जिस दिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, वो एक इंपॉर्टेंट डेट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, एज के लिए, सभी के लिए वही डेट जो है वो कंसिडर की जाएगी, उस डेट से ही सारी कैलकुलेशन की जाएगी। अब यहां पर जो सैलरी है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस टाइप की जॉब वैकेंसीज में, आपके मोटिवेशन के लिए भी सैलरी रहेगी 1,40,000 रुपए पर मंथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1,40,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। तो ये जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, 5 साल का पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1,40,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो इस टाइप की जो वैकेंसीज है वो आपके लिए तब भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई सारी ऐसे आजकल स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कि जिनके स्कूल्स चलते हैं वो एमएससी केमिस्ट्री में, अगर आपकी केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी ग्रिप है, आपका कंसेप्ट अच्छा है, आप बच्चों को अच्छे से केमिस्ट्री के कंसेप्ट समझा सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th जो है वो ऐसी 11th और 12th में केमिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जेई के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सभी को केमिस्ट्री जरूरी होती है। तो अगर आप बच्चों को कंसेप्ट से पढ़ा सकते हैं, आप उनको रटना नहीं, कंसेप्ट से कैसे समझनी है वो अगर आप में ट्रिक है, तो आपका आगे चलकर पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में बहुत अच्छा आपका कैरियर हो सकता है। साथ ही अगर आप जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी आप एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर ज्वाइन हो सकते हैं, तो काफी अच्छा कैरियर ग्रोथ है अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है। अब यहां पर सैलरी की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे सिलेक्शन की। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे व्यूअर जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एलिजिबल तो नहीं होंगे, लेकिन आई एम श्योर आपको इस वीडियो से काफी नई बातें सीखने को मिली होगी। तो यहां पर अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, तो देखिए यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। दो टाइप के इंटरव्यू होंगे, पहले ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद एक फिजिकल इंटरव्यू भी होगा जो कि दिल्ली में होगा, तो उसके बाद जो है वो फाइनली सिलेक्शन होगा। तो ये जो वैकेंसी है, एक आगे चलकर आपके लिए भी इस टाइप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी जब आप एमएससी केमिस्ट्री कर लेंगे, और अगर आपके पास बीएड होगा तो कई सारे स्कूल्स में पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी आती है और काफी अच्छा पे एंड पर्क्स भी ऑफर किया जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि केमिस्ट्री आपको कितनी समझ में आती है और केमिस्ट्री आप सामने वाले स्टूडेंट को कितना अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही कला में माहिर हैं तो आपको अच्छे पैकेज पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।